जहां चमोली में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामे की खबर मिल रही है। पुलिसकर्मियों के साथ कहासुनी हुई है, ब्लॉक प्रमुख पद के लिए प्रत्याशियों से कहासुनी हुई है, बातचीत बढ़ गई है, जहां पर घाट चौकी इंचार्ज क्षेत्र पंचायत सदस्य के बीच हाथापाई भी हुआ है। तो ब्लॉक प्रमुख के 62 पदों पर जहां मतदान चल रहा है, इसी बीच चमोली से खबर आ रही है कि यहां चुनाव शांतिप्रिय तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हाथापाई तक की नौबत आ गई है। पंचायत सदस्यों के साथ पुलिस के बीच भी कुछ विवाद कहासुनी की स्थिति भी है। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव चल रहे हैं, इसी बीच चमोली से प्रत्याशियों से कुछ कहासुनी हो गई है पुलिस के साथ, तो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, चमोली में थोड़े विवाद की खबर मिल रही है। 62 पदों पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहा है, जहां पर चमोली की बात करें तो पुलिस कर्मियों के साथ प्रत्याशियों की थोड़ी कहासुनी हो गई है। चौकी इंचार्ज क्षेत्र पंचायत सदस्य के बीच हाथापाई की भी खबर मिल रही है, जहां पूरी कोशिश रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए, लेकिन एक दो ऐसे जगह होते हैं जहां पर मनमुटाव या फिर विवाद पनपता नजर आता है। और इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में चमोली से ऐसी खबर आ रही है, बताया ये जा रहा है कि प्रत्याशी पुलिस के बीच थोड़ी झड़प सी स्थिति है, जहां कहासुनी के बाद से ये पूरा मामला शुरू हुआ था पुलिस के साथ भी, और इसी बीच हाथापाई की भी खबर मिल रही है। घाट चौकी इंचार्ज और जितने प्रत्याशी हैं उनके बीच तालमेल बिगड़ता सा नजर आ रहा है, चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तो जहां 62 पदों पर इस वक्त चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, सीधा जुड़ते हैं सहयोगी अजित राठी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अजित, जैसे हाथापाई की भी खबर मिल रही है, बात ज्यादा बढ़ गई है क्या? जी देखिए, वहाँ पर दोनों ही गुटों के लोग समर्थक आमने सामने थे, तो चौकी इंचार्ज वहाँ पर सबको बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, इस वजह से वहाँ झगड़ा बढ़ गया और वो एक पक्ष को लेकर वो ज़्यादा व्यक्तिगत हो गए, तो इसीलिए उनके बीच में हाथापाई हो गई। तो वो अभी सारी स्थिति नियंत्रण में है, तो एक बार दोनों के बीच एक उबाल आया था, अभी सारी स्थिति कंट्रोल में है। चूँकि आप जानते ही हैं कि जब इस तरह का मतदान होता है या मतगणना होती है, तो वहाँ पर लोगों का एक जनसमूह, एक पूरा संगठन वहाँ आ जाते हैं, लोग आते हैं, समर्थक आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा व्यवस्था बनाने में ये सब दिक्कतें आई और चमोली के घाट ब्लॉक में ये घटना घटी। बिल्कुल। और इसके अलावा अभी जहाँ 62 जो ब्लॉक हमारे हैं, जहाँ प्रमुख कनिष्ठ प्रमुख ज्येष्ठ प्रमुख जिनकी मतगणना चल रही है, तो वो अभी बाकी जगह से ऐसी छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बहुत बड़ी ऐसी कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं है। केवल चमोली जिले के घाट ब्लॉक में ये एक वारदात हुई है, ये घटना हुई है। तो इसके अलावा सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है और अभी 1 बजा है, तो 2 घंटे और बाकी हैं, तो 3 अभी ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई किसी तरह का ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव में तो ट्रेंड का पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है, किस तरफ हवा जा रही है। तो यहाँ BDC सदस्य वोट डाल रहे हैं, तो अभी 3 बजे के बाद जब बक्से खुलने शुरू होंगे तो उसी के बाद ही यहाँ स्थिति क्लियर होगी कि आज का जो शक्ति प्रदर्शन का जो प्रतीक बन गया है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, ये इस राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, कांग्रेस की तरफ करवट लेगा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेगा। तो इसी को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने काफी अपना दमखम के साथ तैयारी की है और निर्दलीय भी चुनाव मैदान में है। आपने शुरुआती दौर में देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी हुई कि वहां पर कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला तो वहां निर्दलीय निर्विरोध हो गया, या भारतीय जनता पार्टी के 4-5 ब्लॉक प्रमुख निर्दलीय भी जीत गए हैं। और इसी क्रम में आज ये ब्लॉक प्रमुख की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और अभी शाम तक बिल्कुल 3 बजे मतगणना शुरू होगी और करीब करीब 4 बजे तक ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है। जी अजीत, एक और ट्रेंड जो पैटर्न सामने आता है या फिर एक कॉमन सेंस भी कहता है कि वो कि अगर मान लीजिए निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो फिर उनके लिए भी लामबंदी शुरू हो जाती है, उनको किस तरफ से अपने तरफ लेना है नहीं लेना है, इस बीच भी तमाम तरह की कोशिश होती है, तो क्या उसका असर नजर आ सकता है?
स्नेहलता देखिए, एक तो आप भी जानती हैं और सभी जो जागरूक लोग हैं वो जानते हैं कि ये चुनाव सिंबल पर नहीं होता जी। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने ब्लॉक प्रमुख जो प्रत्याशी बनाए हैं उनकी एक अधिकृत सूची जारी की है और सभी वो अधिकृत सूची सभी के पास है, मीडिया के पास है, राजनीतिक दलों के पास है। उनके अलावा जो जीतेंगे वो निर्दलीय होंगे। अब अगर कोई निर्दलीय स्वयं ही अपने इच्छा से किसी के साथ जुड़ना चाहता है या किसी लोभ लालच में आकर किसी पार्टी का दामन थामना चाहता है वो एक अलग बात है, लेकिन एक लिस्ट जारी हुई है दोनों बड़े राजनीतिक दलों से, उनके वो जो अधिकृत प्रत्याशी है तो उन्हीं की काउंटिंग होगी और उन्हीं से उनकी रैंकिंग बनेगी और उन्हीं से उनके जो बैरोमीटर है कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और कांग्रेस संगठन का, तो ये बैरोमीटर उसी से नापा जाएगा। ये वही बैरोमीटर है कि जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो कितने जीत रहे हैं, ये ही देखने वाली एक बात होगी जी। बिल्कुल, तो 3 बजे से अगर काउंटिंग की बात कर रहे अजीत, तो ये कितना वक्त लग जाएगा, कब तक क्लियर हो जाएंगे रिजल्ट्स? 5 बजे के आसपास माना जा रहा है कि 5 बजे तक ये मतगणना संपन्न हो जानी चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, कोई ऐसा कोई विवाद नहीं होता है, कोई मान लिया कोई मतपत्र ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई ऐतराज़ तो नहीं जताता है, किसी का किसी तरह का ऑब्जेक्शन तो नहीं है, क्योंकि गिनती भी जो एजेंट होंगे उनके सामने होनी है, तो वहाँ अगर कुछ ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होती है तो ये 2 घंटे का लगभग काम रहेगा। चूंकि एक ब्लॉक प्रमुख के लिए बहुत ज़्यादा लोग चुनाव वोट डालने वाले नहीं होंगे, तो BDC सदस्य होंगे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं वही वोट डालेंगे और मुझे लगता है 2 घंटे में ये 5 बजे तक इस तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जी। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।